वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन हम कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करने वाले। तो कोल इंडिया स्टॉक की बात किया तो आज 198 लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। कोल इंडिया स्टॉक एक अच्छी तेजी देखने को मिले लास्ट 1 वीक में, हल्के हल्के मूवमेंट बाइंग साइड में देखने को मिले। 2.40 पैसे की रैली आज देखने को मिले, तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते 1% से ज्यादा एक तेजी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। सुबह में ओपन होते ही गैप डाउन से ओपन हुआ था, ओपन होते एक अच्छी तेजी देखने को मिली, प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे देख सकते एक अच्छी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। पर ऊपर जैसे कि 200 लेवल के करीब गया तो रेजिस्टेंस एक्ट हुआ और हल्की सी गिरावट देखने को मिली स्टॉक के अंदर। तो आज देख सकते कि लो बनाया था 194 का, हाई था 199.60 का। तो मार्केट कैप देख सकते 1.22 लाख करोड़ के ऊपर चली गई है, एक जो कि अच्छी बात है। पी रेशियो देख सकते 7 का, अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा खासा पी रेशियो दिखाई दे रहा है कोल इंडिया स्टॉक का। पिछले 5 दिनों में तो देख सकते तकरीबन गिरावट के बाद एक रिकवरी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन वॉल्यूम भी देख सकते 99 लाख का टोटल वॉल्यूम देखने को मिला स्टॉक के अंदर। ट्रेडेड जो वैल्यू थी 19,626 लाख की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन भी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते आज के दिन की डिलीवरी देख सकते हो कि 99 लाख में से 24 लाख जो क्वांटिटी है 24 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके, टोटल 24.40% क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके कोल इंडिया स्टॉक के अंदर। तो कोल इंडिया का यहाँ पे चार्ट पे नजर डाली जाए तो रिसेंटली देख सकते कि एक अच्छी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिले। 200 लेवल पे मंथली रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लगने के चांसेस है, उसका रजिस्ट्रेशन ब्रेक होता है तो 210 तक इजीली यहाँ पे जा सकता है कोल इंडिया स्टॉक पर। मोस्ट इंपोर्टेंटली 200 लेवल को ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट कोल इंडिया स्टॉक के लिए।